Hello students, welcome to the class of Engineers Physics, and today we are going to discuss about simple pendulum and some terms related to simple pendulum. So first of all, we will start discussing that what is simple pendulum. Simple pendulum is a heavy point mass known as bob suspended from a rigid support by a massless and inextensible string. आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं. सिंपल पेंडुलम में क्या होता है बच्चों, मैं डायग्राम बता देता हूँ फिर आता हूँ डेफिनेशन को समझा देता हूँ. तो देखिए, एक सपोर्ट होता है S, ठीक है, ये S सपोर्ट है, इस पॉइंट S पॉइंट पे ये अटैच है. अब यहाँ पे एक थ्रेड हमने लिए हुए, स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ बॉब के साथ कनेक्ट कर दिए, ठीक है. एक्चुअली ये स्ट्रिंग जो है बॉब के अपर सर्फेस तक कनेक्ट होता है, बट ये देखिए ये लाइन को मैंने पूरा यहाँ सेंटर तक लेकर के आया हूँ. तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होता है इसको हम इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं. तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट होता है, दूसरा क्या होता है इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग होता है, और एक यहाँ पे एक देखिए राउंड सर्कुलर बनाया हुआ ये वाला, ये एक बॉब को रिप्रेजेंट करता है. आइए देखिए दोनों डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं. अ सिंपल पेंडुलम इज अ हेवी पॉइंट मास. क्या बच्चों, हेवी पॉइंट मास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एज बॉब, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बॉब. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉब को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, कोई एक रिजिड सपोर्ट होगा उसके उससे सस्पेंडेड होगा. तो ये एस हमारा सपोर्ट है, ये कैसा सपोर्ट है, ये रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, ये हमारा रिजिड सपोर्ट है. बाय मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, देखिए ये स्ट्रिंग है, इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, मासलेस होना चाहिए और इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए. मींस अ सिंपल पेंडुलम इज अ सिस्टम हैविंग अ बॉब व्हिच इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. तो आपको यही चीज आपको लिखनी है वो पेपर पे, तो आपको मार्क्स आराम से मिल जाएगा. तो अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि यहाँ देखिए मासलेस और इनएक्सटेंसिबल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये किसके बारे में लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग के बारे, मतलब जिस स्ट्रिंग से हम लोग इसको अटैच किए हुए हैं, इस बॉब को लगाए हैं यहाँ पे, इस स्ट्रिंग में दो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो मासलेस होना चाहिए और इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए. तो ये मासलेस और इनएक्सटेंसिबल क्यों होना चाहिए, ये आपको एग्जैक्टली पढ़ना है हायर एजुकेशन में, मतलब आपको इंटरमीडिएट में जब क्लास 11 में जाएंगे तो आपको पढ़ना है कि सिंपल पेंडुलम में ये स्ट्रिंग मासलेस और इनएक्सटेंसिबल क्यों होना चाहिए, ठीक है. तो आप बस अभी फिलहाल याद रखिए कि होना चाहिए ऐसा. तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इनिशियली ये ओ पॉइंट पे है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है कि इसको पकड़ के हम ए पॉइंट तक लाते हैं और लीव करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से आगे पीछे होने लगता है यहाँ पे, ठीक है. तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स इससे रिलेटेड. तो सबसे पहला टर्म आता है देखिए ऑसिलेशन. ऑसिलेशन क्या है, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन. मतलब टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, कहाँ, मीन पोजिशन के अबाउट एक्चुअली होना चाहिए. तो ये हमारा हो गया मीन पोजिशन, ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया मीन पोजिशन, ठीक है. और ये दोनों क्या हो गया, ये हो गया एक्सट्रीम पोजिशन, और ये भी क्या हो गया एक्सट्रीम पोजिशन, ठीक है. तो मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो, देखिए यहाँ पे ये आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, टू एंड फ्रो, तो इस तरह से ये मूव करते रहेगा. तो ये क्या हो गया भाई, ऑसिलेशन. तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन कब होगा, ठीक है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन जब ये एक बार टू एंड फ्रो हो जाएगा तब क्या होगा, ये वन ऑसिलेशन होगा. इस चीज को मैं समझा देता हूँ कब होता है, एक्सप्लेन कर देता हूँ. मान लीजिए हम इस ओ पॉइंट से बॉब को हटा करके ए पॉइंट पर ला के रखे हैं, तो हमारा स्टार्टिंग कहां पर हो गया, ए. तो अब जैसे ही रिलीज करेंगे ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ए. तो यहां से ये क्रॉस करके जाएगा किधर, ये जाएगा ओ को क्रॉस करेगा, ओ को क्रॉस करने के बाद कहां जाएगा, बी के पास जाएगा, फिर यहां पे रुकेगा, फिर ये धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करेगा, और ये फिर ओ को क्रॉस करेगा, ओ को क्रॉस करके फिर ये ओ को क्रॉस करेगा, उसके बाद ओ को क्रॉस करने के बाद वापस ए की पॉइंट पोजिशन पे आ जाएगा. तो देखिए ये ए से ओ की तरफ जाना, ओ से बी, बी से ओ, ओ से फिर वापस ए, तो ये होता है एक्चुअली वन ऑसिलेशन, ठीक है. इसके बाद अगर हम बी से स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, देखिए बी से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो बी से जैसे ही रिलीज करेंगे तो ये बॉब जब मूव करना स्टार्ट करेगा, तो ये बॉब कहाँ जाएगा, बी टू ओ, ओ टू ए, ए टू ओ, ओ टू बी. तो देखिए कैसे कैसे जा रहा है, बी से ओ जाएगा, फिर ओ से ए की तरफ, फिर ए से वापस आएगा ओ की तरफ, और ओ से वापस क्या आएगा, बी की तरफ. तो ये हमारा हो गया वन ऑसिलेशन, ठीक है. आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट हम लोग बस बात करते हैं टाइम पीरियड के बारे में. टाइम पीरियड को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी से. तो ये टाइम है तो भाई इसका एसआई यूनिट क्या होगा, देखिए जहां भी टाइम आए उसका एसआई यूनिट हम लोग पढ़े क्या होता है, सेकंड होता है, स्मॉल एसआई है, ठीक है, सेकंड.
तो टाइम क्या होता है, एक ऑसिलेशन, देखिए एक ऑसिलेशन यहां कराया गया ना, ए से वापस ए तक आने में जितना समय लगेगा, तो देखिए यहां लिखा हुआ है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, तो एक ऑसिलेशन करने में जितना समय लगेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो मतलब ये बॉब यहां से स्टार्ट किया, ये ओ को क्रॉस करके बी के पास जाएगा, बी से वापस एक तक आने में जितना समय लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के बारे में। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड होता है। आप देखिए नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड मतलब एक सेकंड में ये कितना बार ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा एनालाइज करा दूंगा आपको ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी को हम लोग देखिए या तो स्मॉल एफ से डिनोट कर सकते हैं या तो एक ऐसा नोटेशन होता है न्यू, ठीक है, आपके बुक में जो हो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू या एफ से डिनोट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्स होता है, जिसको हम लोग एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका साइकिल पर सेकेंड मतलब पर सेकेंड एक्चुअली यहां पर हम लोग इसका यूनिट लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एम्पलीट्यूड के बारे में। एम्पलीट्यूड को हम लोग ए से डिनोट करते हैं जनरली, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड जो है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए मीन पोजीशन से ये कितना दूर जा रहा है, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, यहाँ से। तो मीन पोजीशन से कितना दूर डिस्प्लेस हो रहा है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन इधर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से चाहे आप इधर माप लो चाहे आप इधर माप लो, ये इसका एम्पलीट्यूड बताता है। मतलब यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा वो एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। तो बाबू ये लेंथ है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं मीटर। आपको बस पुरानी चीजों को याद रखना है, बाकी सारा आसान है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम के बारे में। ये इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या होता है, मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही। बाबू ये जो थ्रेड है ये एस पॉइंट से इसके अपर पार्ट तक ही लगा होता है, लेकिन ये एस से ओ का डिस्टेंस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। तो इसको देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। तो कौन से पॉइंट ऑसिलेट कर रही है भाई, ये पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन का मतलब हो गया ये जो बॉब है इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये S पॉइंट से O पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम हम लोग कहते हैं, जिसको स्मॉल l से डिनोट किया गया है। आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर के ये O पॉइंट तक, तो ये O बाबू यहाँ है बट जितना लेंथ यहाँ होगा वही लेंथ तो यहाँ भी होगा ना, एस ए का लेंथ, तो वो हो गया इफेक्टिव लेंथ हो गया हम लोगों का। तो आई होप आपको ये सारी पॉइंट जो है क्लियर। स्टूडेंट अभी हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एनालिसिस करने जा रहे हैं, ये एनालिसिस आपको टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी के बारे में कुछ ना कुछ जरूर एक कॉन्सेप्ट डेवलप करके देगा। सो माई डियर स्टूडेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन ऑन द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसका एनालिसिस करना सीख जाएंगे तो ये आपको आगे चल के बहुत ही आसानी हो जाएगा न्यूमेरिकल को समझने में कि कौन से डेटा आपको दी हुई है उससे आप क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं अभी यहाँ पर कि रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों टाइम पीरियड को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स वन बाय फ्रीक्वेंसी एफ हो गया, ये एक रिलेशन हो गया। या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स वन अपॉन टाइम पीरियड। आइए हम इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग बात यहाँ पे करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और यहाँ पर पॉइंट ओ है। तो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ये ए, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पे, अगर यहाँ से जाने और आने में टाइम लगेगा वन सेकेंड तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला लगाइए, वन बाय वन, वन हर्ट्स हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ से जाने और आने में दो सेकेंड, मतलब तब क्या हो गया, जाने और आने में दो सेकेंड लगा, इसका मतलब जाने में एक सेकेंड आने में एक सेकेंड लगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड अगर दो सेकंड है इसका मतलब ए से जाना बी, बी से वापस आने में दो सेकंड लगेगा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी भाई, फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला लगाइए, कैसे लगाएंगे, ये वाला लगाइए, वन बाई टू इज इक्वल सी, कितना हो जाएगा 0.5 हर्ट्स हो गया, मतलब 1/2 हर्ट्स हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल सपोज दैट 5 सेकेंड। टाइम पीरियड 5 सेकेंड का मतलब क्या है कि 5 सेकंड का समय लग रहा है ए से बी जाने और बी से वापस ए आने में, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/5 सेकंड, मतलब सॉरी हर्ट्स हो जाएगी, 1/5 हर्ट्स हो जाएगी। देखिए कितना आसान है। अगर टाइम पीरियड इज इक्वल सपोज दैट 10 सेकंड है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 बाई
10 हर्ट्ज हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर्मूला को एनालाइज करके कि जितना टाइम पीरियड होगा उसका रेसिप्रोकल होगा फ्रीक्वेंसी, या फिर जो फ्रीक्वेंसी होगा उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक और एक एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ओ है। देखिए हम लोगों ने पॉइंट यहाँ पर बना लिया है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर करना क्या है, मान लीजिए कि एक सेकेंड में, क्या है बच्चों, एक सेकेंड में, देखिए एक सेकेंड में ये इधर जाना आना जाना और आना, कितनी बार ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ बच्चों, एक सेकेंड में दो बार हो गया, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 हर्ट्ज हो गई इसके। ठीक है, क्योंकि एक सेकेंड में दो बार ये ऑसिलेट किया है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी 2 है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, देखो बच्चों 1/2 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 1/2 सेकेंड मतलब देखिए एक सेकेंड में ये गया आया फिर गया फिर आया, तो एक बार जाके आने में कितना समय लगेगा, आधा सेकंड लगेगा, क्योंकि इसका दो बार वापस जाने आने में कितना लग रहा है, एक सेकंड, तो एक बार जाना और आना में कितना लगेगा, 1/2 सेकंड लगना चाहिए। तो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं।